नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडीजो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। यह जो है दूसरा भाग है, इसके पहले जो है पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित नीला नदी की खोज शीर्षक पर जो है देखो अपना देश की 17वीं वेबिनार श्रृंखला का जो है आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे पूछा है नीला नदी के नाम से निम्नलिखित में से किस नदी को जो है जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भरतपूजा। भरतपूजा नदी को जो है नीला नदी या नीलासो नदी के नाम से जाना जाता है। यह जो है इसका उद्गम जो है तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और यह पेरियार के बाद जो है केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, कोविड 19 के मद्देनज़र टोला जनजाति के कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपनी पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। टोला जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोला जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाने वाली यह प्रकार की चरवाहा जनजाति है और ये लोग जो है 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका जो है डेयरी उत्पाद, बेत और बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। तो और इनका दो टर्म याद रखना है, एक पोहर और दूसरा है पुटपुली। इनके द्वारा जो कढ़ाई की जाती है उसको पोहर बोलते हैं टोडा भाषा में। और जो पुटपुली इनके द्वारा जो है एक पोशाक विशिष्ट प्रकार का शॉल है। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि पुटपुली शॉल जो है किससे संबंधित है? तो टोडा जनजाति से, और पोहर कढ़ाई टोडा जनजाति से। नेक्स्ट, 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला जो है पॉइंट दिया है कि यह वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्मदर, मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर के एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। तो यह सही है, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय जन्मदर जो है 20 थी, तो यह भी सही है। 1971 में जो है 36.9 थी, जबकि 2018 में राष्ट्रीय जन्मदर कितनी थी? 20। जन्मदर क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो है प्रति हज़ार जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या को जो है जन्मदर बोलते हैं। और जन्मदर के संदर्भ में बिहार पहले स्थान पर है, तो यह भी सही है। जन्मदर इसका जो है 26.2 जन्मदर है और यह पहले स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 11.2 है जन्मदर। और यहाँ पे नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में मृत्यु दर 7.2 थी, तो ये गलत है। मृत्यु दर थी वर्ष 2018 में 6.2, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहाँ पे मृत्यु दर सबसे अधिक थी, ये भी याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मृत्यु दर है और जबकि सबसे कम जो है दिल्ली में। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ का संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इसका संबंध है। इस पहल का उद्देश्य जो है संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है। जो है इसको हाल ही में जो है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जो है समर्थ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। यह जो है विश्व बैंक से समर्थित है, यह भी याद रखना है कि यह जो है विश्व बैंक से समर्थित। और यह जो है इसका मिशन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, इस मिशन का उद्देश्य। नेक्स्ट, कोविड 19 महामारी के दौरान चर्चा में रहे प्रशामक देखभाल जो है यानी पैलिएटिव केयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहले दिया है पैलिएट सब जो है शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है भौतिक एवं भावनात्मक दर्द को कम करना, तो ये सही है। भौतिक भावनात्मक दर्द को करना या कह सकते हैं दुख से राहत, यहाँ दुख का शाब्दिक अर्थ होता है कष्ट, संकट या कष्ट के दौर से गुजरना। दूसरा है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो रोगियों एवं उनके परिवारों में बीमारी से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, तो ये भी सही है। यह किसी भी रोगी में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण है, ये भी सही है। संपूर्ण व्यक्ति
दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे है कि रोग से लड़ने के साथ साथ उसके जो है मानसिक जो है विकार उत्पन्न होता है या जो खिन्नता उत्पन्न होती है उसके खिलाफ भी जो है उसको मजबूत बनाना, तो यह जो होता है संपूर्ण व्यक्ति दृष्टिकोण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रशामक देखभाल उन लोगों को स्वास्थ्य देखभाल का एक विशेष रूप है जिनको गंभीर बीमारी है और साथ ही साथ जो है उस बीमारी के कारण तनाव और कुछ अन्य बीमारियों के लक्षण जो है उसकी वजह से जो प्रभावी होते हैं उनसे राहत प्रदान करने के लिए इस प्रशामक देखभाल की जो है चर्चा या पैलिएटिव केयर की जो है आज हाल में जो है कोविड-19 की वजह से चर्चा में आई है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त अनुसंधान संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। इसका प्रयोग जो है मधुमेह रोगियों में जो है इंसुलिन के वितरण के लिए किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल जो है इसको बायोकम्पेटिबल एडिटिव्स का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह हाइड्रोजेल जो है मधुमेह रोगियों में इंसुलिन वितरण के लिए किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि भारत में जो है मधुमेह से 70 मिलियन से अधिक लोग जो है प्रभावित हैं, जो कि विश्व में सेकेंड नंबर आता है, दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा जो है सेकेंड नंबर पे मधुमेह रोगी जो है भारत में है। मधुमेह होता कैसे है, जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएँ होती हैं, अग्नाशय की बीटा सेल्स, वे जो है इंसुलिन का स्त्राव करती हैं जो कि हमारे शरीर में शुगर के जो है स्तर को नियंत्रित करता है। और जब यह बीटा सेल कोशिका जब प्रभावित हो जाती है तो इंसुलिन का स्त्राव या उत्पादन अपर्याप्त रूप में होने लगता है, जिसकी वजह से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई यानी ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है 15 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल फैमिली डे अगर पूछ ले ग्लोबल फैमिली डे तो वह जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, इसको याद रखना है। और इसका उद्देश्य जो है बड़े पैमाने पर परिवार प्रणालियों के लाभों के बारे में जागरूकता जो है फैलाना है। और इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 2020 की जो थीम है वह थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। नेक्स्ट, दिबांग बहुउद्देशी परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। अभी जो है हाल ही में वन सलाहकार समिति यानी FAC फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने जो है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना पर अपना जो है निर्णय जो देना था उसको टाल दिया है, या जो है भंडार आधारित जल विद्युत परियोजना के रूप में जो है इसको परिकल्पित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ को संतुलित करना है। अगर यह बन जाता है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना तो यह जो है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में दिबांग नदी पर जो है स्थित है। इसका उद्घाटन 2008 में ही जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन जो है इसमें काफ़ी देरी हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र लगभग 1165 हेक्टेयर जंगल जो है अगर इसको बनाया जाता है तो उसको हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण जो है इसका विरोध किया जा रहा है। तो वन सलाहकार समिति इसके बारे में निर्णय देने वाला था लेकिन अभी जो है उसके निर्णय को टाल दिया गया है। बात करें वन सलाहकार समिति यानी FAC की तो यह जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, जिसमें जो है केंद्र के वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। यह जो है एक शीर्ष निकाय है जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए वनों में पेड़ों की कटाई की अनुमति पर जो है निर्णय लेता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम वर्ष 2020 के लिए कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs थी? इसका सही उत्तर होगा विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या थी, कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका उद्देश्य जो है इंटरनेट तथा अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का जो है उपयोग विभिन्न समाजों एवं अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा COVID-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से जो है पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसके अंतर्गत पहला दिया है कि 12 डायरेक्ट टू होम चैनल छात्रों को घर में ही जो है पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसमें शुरू करेंगे, तो यह जो है सही है। और दूसरा दिया है इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी DTH ऑपरेटरों जैसे टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी समझौता किया है, यह भी ऑप्शन सही है। और डिजिटल एक एक्सेसिबल जो है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो है दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष ई सामग्री प्रदान की जाएगी, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, COVID-19 के मद्देनज़र प्रवासियों के आवागमन के बारे में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम NMIS निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है NMIS को जो है विकसित किया गया है यानी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली को विकसित किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में जो है केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए अंतरराज्यीय संचार में जो है मदद करेगा। इसका एक अतिरिक्त लाभ संपर्क में आने वालों का पता लगाने यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के रूप में भी होगा, जो COVID-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में भी उपयोगी साबित हो सकेगी। प्रवासी लोगों के बारे में जो है मुख्य डेटा जैसे नाम, आयु, मोबाइल नंबर, आरंभिक और लास्ट में जो जहां पहुंच रहे यानी गंतव्य जिला, यात्रा की तिथि आदि जो है जिन्हें राज्यों द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है को अपलोड करके उसका एक जो है मानकीकरण कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS किसके द्वारा विकसित किया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट, क्वीनी नोंगला देव गाँव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय यानी ऑप्शन डी। अभी जो है चर्चा में इसलिए आया है क्वीनी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुनैन से मिलता जुलता है। हाल ही में जो है यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत का जो एक गांव है क्वीनी नोंगला देव के स्थानीय लोगों ने जो है COVID-19 के संभावित इलाज के लिए क्वीनिन का जो है पता लगाया है। क्वीनिन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। इस गाँव का नाम भी जो है सिनकोना की छाल से निकाले गए एल्कलाइड जो है क्वीनिन के नाम पर रखा गया है। और मलेरिया के इलाज के लिए जो है क्लोरोक्वीन और कुनैन के रूप में प्रसिद्ध जो है क्विनिन सल्फेट नामक दवा का ही उपयोग किया जाता है। तो क्वीनी नोंगला देव गांव कहां पर है, मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों में गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र सूचीबद्ध करती हैं उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा। तो यह तो जो है इसी वजह से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है क्योंकि अभी जो है इसकी घोषणा की गई है, तो यह तो सही ही है। अब यहाँ पर देखते हैं जो ऋण पत्र यानी डिबेंचर जो होते हैं, अब इनसे संबंधित जो है यहाँ पे ऑप्शन में है। ऋण पत्र जो है दीर्घकालिक वित्तीय साधन है जो जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं, तो यह भी सही है। इसमें जो है कुछ डिबेंचर में कंपनी मालिक के उनका स्वयं विवेक पर जो है एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की जो है सुविधा होती है। जिन ऋण पत्रों यानी डिबेंचरों या शेयरों में जो है उनको शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाता है, तो यह भी सही है।
गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र का उपयोग जो है पब्लिक इश्यू के माध्यम से कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक फंड जुटाने के लिए वित्तीय उपकरण रूप के रूप में जो है किया जाता है। तो यह भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है। इसके तहत कितनी अवधि के लिए जो है छोटे उद्यमियों और स्वरोजगारों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि को जो है 1,00,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन सी, 1,00,000 का ऋण प्रदान किया जाएगा और उसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष। कौन सी योजना? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मई, यानी ऑप्शन सी, प्रत्येक वर्ष जो है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। इसका जो है यूनेस्को द्वारा यह मनाया जाता है। यह दिन जो है वर्ष 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को जो है चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला सफल लेजर संचालन जो है किसने किया था? थियोडोर मैमन, ये भी याद रखिएगा जीके का प्रश्न कि पहला जो है लेजर किसके द्वारा, सफल लेजर किसके द्वारा संचालित किया गया था? थियोडोर मैमन के द्वारा। नेक्स्ट, ट्रोग्लामिस ट्विटरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का कवक, ऑप्शन बी, या ट्रोग्लामिस ट्विटरी एक प्रकार का कवक है। इसे अभी जो है डेनमार्क के कोपन हेगन विश्वविद्यालय में जो है एक प्रोफेसर हैं एना सोफिया रेबोलेइडा, उन्होंने जब अपने जब ट्विटर पर जब स्क्रॉल कर रही थी तब इस जो है कवक को उन्होंने देखा था, इसलिए इसका नाम ट्रोग्लामिस ट्विटरी रख दिया गया है। या जो है लबोउल बेनी अलेस जो है एक प्रकार का परजीवी कवक है, उसी का एक जो है टाइप है। तो ट्रोग्लामिस ट्विटरी क्या है? एक प्रकार का कवक। नेक्स्ट, चरण पादुका अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए, चरण पादुका अभियान जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, या जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए जो है शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जो है नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके पैरों के दर्द को कम करने के लिए जूते एवं चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। और यह अभियान अधिकांश स्थानों पर जो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चरण पादुका अभियान जो है इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से जो है शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है, राव पुलिस स्टेशन इंदौर के यहाँ से जो है शुरुआत पहली बार इसकी की गई थी। नेक्स्ट, हंको परंपरा का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान, यानी ऑप्शन बी। पिछले जो है कुछ दिनों में जैसे जापान में कोविड-19 के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वहाँ के जो है उद्योग जगत के लोग जो हैं उनके द्वारा इस परम्परा यानी हंको परम्परा को जो है छोड़ने की मांग की जा रही है। हंको आमतौर पर होता क्या है? लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक जो है मुहर होती है, या जो है लंबाई में छोटा होता है था, इसका स्याही वाला सिरा जो होता है गोल या चौकोर आकार का होता है। इस मुहर पैड में जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसको जो है सुनीकू बोलते हैं, जो स्याही प्रयोग किया जाता है उसको सुनीकू बोलते हैं, और वह निशान जो किसी दस्तावेज पर छपता है उसको बोलते हैं इंकान। इसका उपयोग जो है अनुबंध, विवाह, पंजीकरण और यहाँ तक कि वस्तु के वितरण पर्ची से लेकर आधिकारिक दस्तावेजों को जो है अधिकृत करने के लिए किया जाता है। और अभी जो है कोविड-19 के जो है महामारी के वजह से इसको जो है वहाँ के जो औद्योगिक जगत के लोग हैं इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं हंको परंपरा का। तो इसका हंको परंपरा का संबंध किस देश से? जापान से। नेक्स्ट, हाल ही में चिकित्सा तकनीक लीसा का को जो है राजस्थान के जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शुरू किया गया है। यह चिकित्सा तकनीक निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी ऑप्शन बी, लीसा। लीसा का फुल फॉर्म होता है लेस इनवेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यह जो है
समय से पहले जो बच्चों में फेफड़ों की बीमारी जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं उसके उपचार के लिए शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पिनांगा अंडामैनेंसिस निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताड़ यानी पाम की जो है एक प्रजाति है पिनांगा अंडामैनेंसिस, या जो है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर जो है दक्षिणी अंडमान द्वीप की जो है एक स्थानिक प्रजाति है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि इसको जो है अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से तिरुवनंतपुरम जो है स्थित जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है कि पिनांगा अंडामैनेंसिस ताड़ से संबंधित है और यह कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, दक्षिणी अंडमान द्वीप की। दो फैक्ट। तीसरा फैक्ट, इसको कहाँ पे जो है स्थापित किया गया है एक स्थान से हटा के, तो तिरुवनंतपुरम में। और प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। तो इतने फैक्ट इसमें जो है याद रखने हैं। और इसके अलावा जो है यह प्रजाति जो है वहाँ पे जो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क वहाँ पे जो है पाई जाती है काफ़ी मात्रा में। तो ये भी याद रखना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरियट जो है इसी पार्क का हिस्सा है और माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है, सैडल पीक। पहले नंबर पर सैडल पीक है और दूसरे नंबर पर माउंट थुलियर है और तीसरे नंबर पर माउंट हैरियट। हाल ही में भारत सरकार ने मध्यम इकाइयों के लिए निवेश एवं टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? तो यहाँ पे ध्यान देना, मध्यम इकाइयों का पूछा है। तो मध्यम इकाइयों का जो है निवेश सीमा जो है 50 करोड़ रुपए और जो है टर्नओवर की सीमा जो है 200 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किया गया है अभी नया। और जो है सूक्ष्म उद्योगों के लिए यानी माइक्रो उद्योगों के लिए जो है निवेश सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए, जबकि जो है स्मॉल यानी छोटे उद्योगों के लिए जो है निवेश की 10 करोड़ और टर्नओवर की 50 करोड़। तो इतना याद रखना है कि ये जो है माइक्रो के लिए यानी सूक्ष्म के लिए, ये जो है स्मॉल के लिए और यह जो है मध्यम इकाइयों के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो है अब की बात थीम है वह है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को जो है मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, यानी जो है पहली बार मनाया गया था कब, 2001 में। और जो है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस ऐप पर भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमंग। भारत सरकार द्वारा जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित सूचनाएं जो है प्रदान करने के लिए इस ऐप का जो है अब प्रयोग किया जाएगा। हालांकि जो है यह ऐप जो है 2017 में ही लॉन्च किया गया था और उमंग ऐप का पूर्ण रूप जो होता है उमंग इसका पूरा रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने अच्छे ऊर्जा व्यापार के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो
NTPC ने जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC के साथ समझौता किया है, जो है अच्छे ऊर्जा व्यापार पर संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक जो है एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जो है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs यानी सूक्ष्म लघु और स्मॉल जो है मीडियम जो है उद्योगों को सहारा देने के लिए इस रीस्टार्ट नामक जो है कार्यक्रम को शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो है MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा जो है 1100 करोड़ रुपये जो है खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, 15 मई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना पहुंच गया है? तो वृद्धि, एक पहला फैक्ट यही याद रखना है कि 15 मई 2020 को जो आंकड़ा आया था उसमें कितनी की वृद्धि हुई, 1.73 बिलियन डॉलर, और अब हो गया है 487.04 जो है बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम जनजाति कार्य मंत्रालय और निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है फेसबुक और जनजाति कार्य मंत्रालय की जो है एक संयुक्त पहल है। फेसबुक के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक देवेश राय की हाल ही में जो है निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाली। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में जो है सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी ऑप्शन डी AIIB ने जो है यह समझौता किया है पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार करने के लिए 145 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुबैर इकबाल। प्रबंध निदेशक जो है अभी जो है जम्मू कश्मीर बैंक के कौन बने हैं? जुबैर इकबाल। जबकि RK छिब्बर जो है वह इसी बैंक JNK बैंक के जो है अध्यक्ष पद पे पहले थे और इनके कार्यकाल को जो है 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीनगर में। नेक्स्ट, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .pay के साथ समझौता किया है। तो NRAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पहला तो याद रखना है कि NRAI ने जो है .pay के साथ समझौता किया है और NRAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NRAI के अध्यक्ष जो है रियाज अमलानी। और इसकी स्थापना जो है की गई थी 1982 में। और जबकि डॉट पे के जो है सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक कौन है? शैलाज नाज। और .pay का जो हेडक्वार्टर है वह है गुड़गांव में। नेक्स्ट, हाल ही में आई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी के लेखक फोंग फोंग का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। तो पहला तो यही याद रखना है कि इस पुस्तक के लेखक फोंग फोंग हैं और ये चीन के ही हैं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक का जो है पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश गोयल।
राजेश गोयल जो है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है नया महानिदेशक बने हैं, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है की गई थी 1998 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ सातवां LCU युद्धपोत INLCU L57 निम्नलिखित में से किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो यह जो है मार्क फोर, यानी ऑप्शन सी, मार्क चतुर्थ श्रेणी का जो है युद्धपोत है। इस युद्धपोत का मुख्य कार्य जो है ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना है, तथा सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज से जो है बेस तक का उपकरण लाना और ले जाना है। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, COVID-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बुंदेसलीगा का संबंध किस देश से है? तो यह जो है जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जर्मनी। बुंदेसलीगा जो है खेल की शुरुआत 1963 से हुई थी। बुंदेसलीगा का अर्थ होता है फेडरल लीग, यानी संघीय लीग। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक जो है एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। हैक जो है कर्नाटक का पहला जो है साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम है। हैक को जो है पुराने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि सरकार और बाजार संपर्क के माध्यम से उनके विकास में तेजी लाने में जो है उनकी मदद की जा सके। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा करने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और वर्तमान में इसके जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट, मोयकेट्सी मजोरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेसेथो। जो है मोयकेट्सी मजोरो अभी हाल ही में जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे थॉमस थाबाने, उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मोयकेट्सी मजोरो जो है लेसेथो के प्रधानमंत्री बने हैं। लेसेथो जो है दक्षिण अफ्रीकी जो है एक पर्वतीय देश है। लेसेथो की जो राजधानी है वह है मासेरू, और लेसेथो की मुद्रा जो है लेसेथो लोटी। नेक्स्ट, होप ऑन माई एडवेंचर एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक जो हैं रस्किन बॉन्ड है। यह पुस्तक जो अभी हाल ही में आई है, इनके रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने इस किताब को जो है इसका ई बुक जो है संस्करण को जो है लॉन्च किया है अभी। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक जो है वाइस एडमिरल विनय बधवार को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें यह पुरस्कार जो है भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को जो है यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन जो है यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय बधवार। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के निदेशक कौन है इस समय? अब्री काम्फर। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जो है मोनाको में।
मोनाको जो है दुनिया की दूसरी सबसे छोटी जो है कंट्री है वेटिकन सिटी के बाद। नेक्स्ट, कोविड 19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए रोबोट रेलबॉट निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रेलबॉट जो है दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी धनराशि की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, $2 मिलियन। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो है भारत द्वारा $2 मिलियन की भी हाल ही में जो है सहायता राशि प्रदान की गई है। यह सहायता राशि जो है कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित जो है अन्य प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। बात करें संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का जो है, तो यह इसका मुख्यालय जो है अम्मान जो है जॉर्डन में है, अमान जॉर्डन में है, और इसके जो है वर्तमान में आयुक्त जनरल हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स। नेक्स्ट, नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास, तो इसको जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। इस ऐप को जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जो है जेई मेंस नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में जो है मदद करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, भारतीय इस्पात संघ ने निम्नलिखित में से किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप उम्मेन, यानी ऑप्शन ए। भारतीय इस्पात संघ ने जो है दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में की गई थी, और दिलीप उम्मेन जो है टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे, और जुबैर इकबाल अभी जो है J&K बैंक के जो है प्रबंध निदेशक बने हैं। सुकून कोविड 19 बीट द स्ट्रेस, सुकून कोविड 19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल जो है लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद राजुलू चिंटला। ये जो है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का जो है स्थान लेंगे। अभी वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला है, उनके स्थान पर जो है गोविंद राजुलू चिंटला की जो है नियुक्ति की गई है। और बात करें अन्य ऑप्शन की, तो साजी के भी जो है ये नाबार्ड में 5 साल की अवधि के लिए जो है उप प्रबंध निदेशक पद पे इनकी नियुक्ति की गई है, इस नियुक्ति की मंजूरी मिली है। और वैद्य राजेश कोटेचा जो हैं ये आयुष मंत्रालय के सचिव थे, और इनके कार्यकाल को जो है 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ईडा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा जो है मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल जो है एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए जो है एक कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। और बात करें महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 2 खिलाड़ियों सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को जो है अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ए, पावर लिफ्टिंग से संबंधित थे, यानी ऑप्शन ए।
वेट लिफ्टिंग। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जो है झाबुआ जिले में जो है ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा जो है दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। इस में जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी जो है उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल लालजी टंडन। नेक्स्ट, कार्मेन रेनहार्ट निम्नलिखित में से किस संस्था की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन ए। विश्व बैंक ग्रुप ने जो है कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो कार्मेन रेनहार्ट उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री जो है अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो है बनी है। इनकी नियुक्ति जो है 15 जून 2020 से है जो है प्रभावी होगी, और वह अभी जो है IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उपनिदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का जो है इससे पहले काम संभाल चुकी हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहॉनम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने UP सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत UP स्टार्टअप फंड स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और निम्नलिखित में से किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने सिडबी बैंक के साथ समझौता किया है। सिडबी का मतलब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ जो है समझौता किया गया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, तो छत्तीसगढ़ जो है सरकार ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। तो आज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य जो है COVID-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना में जो है 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, और राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने एयरटेल अफ्रीका के साथ COVID-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है? तो अभी जो है यूनिसेफ, यानी ऑप्शन डी, यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने COVID-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए जो है भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य जो है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता जो है पहुँचाना है। एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रघुनाथ मांडव। और यूनिसेफ के जो है कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरीटा एच फोर। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है? तो अभी जो है वित्त मंत्री द्वारा जो है 2020-21 में सेल्स की तरह जो है हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में जो है 20% के वृद्धि की है। इसका उद्देश्य जो है उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को जो है कम करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह जो है
पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबीर सिंह दोजान जो है 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक, लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 जीतने वाली जो है भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। और 1956 के जो कि मेलबर्न ओलंपिक हुआ था उसमें जो है भारतीय टीम के कप्तान भी थे। उसमें 1956 के ओलंपिक में भारत ने जो है पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो बलबीर सिंह दोसांझ का संबंध किस खेल से था? हॉकी से। जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम का संबंध किस राज्य से है? तो जर्दालू आम को जो है 2018 में जीआई टैग मिला था, यह जो है बिहार राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी जो यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो है बिहार सरकार का जो बागवानी विभाग है उसने डाक विभाग से, भारत सरकार के जो है डाक विभाग से जो है समझौता किया है जर्दालू आम और साथ ही में जो है शाही लीची को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए, आपूर्ति करने के लिए, इस जो है COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसके दौरान। तो याद रखना है, पहला चीज़ याद रखना है जर्दालू आम बिहार से संबंधित है और जो है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार के बागवानी विभाग ने किससे समझौता किया है? डाक विभाग से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो है 22 मई 2020 को जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में जो है एक खुली पारदर्शी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए 20 छात्रों को जो है स्नातकोत्तर डिग्री के साथ संलग्न करने का प्रस्ताव है। तो पहला सही है। दूसरा इस है कि इस कार्यक्रम में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है एक नोडल एजेंसी के रूप में जो है काम करेगी, तो ये भी सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी एक नोडल एजेंसी के रूप में शामिल है, ये भी सही है। तो जो है यहाँ पे दो याद रखना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोनों जो है नोडल एजेंसी के रूप में जो है कार्य करेंगी और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। तो याद रखना है जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसमें नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है इंटर्नशिप कार्यक्रम जो शुरू किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें किसके सहयोग से? ऑप्शन में यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP देगा। तो आपको उत्तर याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, हाल ही में अंटार्कटिका इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना यानी एनिटा ने अंटार्कटिका में न्यूट्रिनो की जो है असमान ऊर्ध्वगति का पता लगाया है। इस उपकरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको जो है नासा के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने एक नए ऐप वेब क्यू को जो है मंजूरी प्रदान की है। इसका उपयोग किस राज्य में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य में जो है इस लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री के लिए जो है इस वेब क्यू ऐप को जो है प्रयोग किया जाएगा। इसको जो है गूगल प्ले स्टोर ने अभी मंजूरी प्रदान कर दी है और इस नव विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है केरल राज्य में शराब की बिक्री के लिए जो है आभासी कतार प्रणाली शुरू की जा सकेगी। इससे जो है शराब की दुकानों पर भीड़ कम हो जाएगी और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, खीर भवानी मेला संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन बी। भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में जो है गांदरबल जिला है उसके तुलमुआ गांव में जो है यह खीर भवानी मेला लगता है और यह जो है अब की बात 30 मई 2020 को आयोजित होने वाला था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण जो है इसे रद्द कर दिया गया। तो याद रखना है कि खीर भवानी मेला कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, COVID-19 से निपटने के लिए शुरू की गई पहल ऑपरेशन वार्प स्पीड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन बी।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है ऑपरेशन वार्प स्पीड जो है शुरू किया है कोविड 19 से निपटने के लिए। यह एक जो है सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल है। इसका उद्देश्य कोविड 19 के टीके और चिकित्सा शास्त्र और नैदानिक की विकास के लिए जो है सुविधाजनक बनाना और उसमें तेजी लाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो है खिलाड़ी थे एशले कूपर, अभी इनका जो है निधन हो गया। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आभास झा को जो है विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। जाह्नवी फुकन की बात करें तो जाह्नवी फुकन जो है अभी जो है एफएलओ यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इन्हें अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, और इनकी नियुक्ति जो है हरजिंदर कौर तलवार के स्थान पर की गई है। और बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के जो हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, और डेविड मालपास जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए जो है 11 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया है, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की जो है अध्यक्षता की जाएगी राजेश भूषण के द्वारा, ये भी याद रखना है, राजेश भूषण के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी जो है मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को जो है उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और उसके महत्व को बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए जो है उठाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? पी जोरम थांगा। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। योवेरी कागुटा मुवेवेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांडा। अभी जो है भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज को जो है इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है, तो इसको याद रखना, इसीलिए चर्चा में आया हुआ युगांडा का नाम यहाँ पर चर्चा में आया है इंडिया। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज को जो वार गेम सेंटर सौंपा है उसका नाम क्या है? तो इंडिया। और युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? योवेरी कागुटा मुवेवेनी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC का उद्घाटन किया गया, इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? तो अभी जो है न्यायमूर्ति AK सिकरी के द्वारा जो है इस भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह केंद्र जो है पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा जो है केंद्र अपने ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई 16 सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में जो है ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके जो है IDRC के जो अध्यक्ष हैं मेहर एस राठी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, फिनटेक स्टार्टअप जैगल ने छोटे और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसने जो है पेमेंट तकनीकों में जो है प्रमुख वीजा के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
हुडोल पहल को कोविड 19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। यह पहल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुडोल पहल जो है मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की जो हुडोल पहल है इसको कोविड 19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा जो है इसे शामिल किया गया है। हुडोल पहल के जरिए जो है LGBTQI समुदाय और HIV से प्रभावित लोगों, दैनिक मजदूरी कमाने वालों और बच्चों तथा किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह लोगों द्वारा जुटाए गए कोष वाली पहल है जिसने लगभग 2000 परिवारों और व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए 100 स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तभी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार ने जो है प्रेम के नायर को जो है नाइजर गणराज्य में जो है नया राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी जो है नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। यानी पहले राजेश अग्रवाल थे, उनकी जगह पर जो है प्रेम के नायर की अब नियुक्त की गई है। और मेजर सुमन गवानी की बात करें तो मेजर सुमन गवानी को जो है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 जो है अवार्ड से चुना गया है। कौन सा अवार्ड? UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर सुमन गवानी को जो है वर्ष 2019 के लिए चुना गया है। तो और बात करें अगर नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी क्या है? नाइजर की राजधानी जो है नियामी, और नाइजर की मुद्रा जो है सीएफए फ्रैंक। और नाइजर के राष्ट्रपति इस समय कौन है? महामदो इसोफो। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो है इसको शुरू किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू किया गया। बात करें LIC की, तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम आर कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड 19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन भारत सरकार की जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है? वन धन योजना कोविड 19 के बाद सबक, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है वन धन योजना कोविड 19 के बाद सबक पर वेबिनार का जो है आयोजन किया है। इसको जो है वह जनजाति मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से जो है किया गया है। हाल ही में सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण 27 से 29 मई 2020 तक कहां पर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 से किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकल टू ग्लोबल, यानी ऑप्शन ए लोकल टू ग्लोबल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है हुनर हाट कार्यक्रम सितंबर 2020 से जो है आयोजित किया जाएगा, इसकी थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। यह मंच जो है देश के विभिन्न हिस्सों के जो है दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए जो है अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का जो है एक महत्वपूर्ण मंच है। हुनर हाट जो है देश के दूरदराज के क्षेत्रों जो हुनर के का हुनर हैं जिनके पास या कारीगर जो हैं जिनके पास हुनर है उनको जो है एक बाज़ार उपलब्ध कराने वाला स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का जो है प्रामाणिक ब्रांड जो है इस समय बन गया है। हुनर हाट की बात करें तो इस बार जो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जान भी जहान भी नामक एक वहाँ पे जो है इस हुनर हाट में एक पवेलियन भी बनाया जाएगा, जहाँ लोगों को पैनिक नहीं प्रिकॉशन की थीम पर जो स्टेज जो ये बनेगा पवेलियन उसका नाम होगा पवेलियन का जान भी जहान भी। और वहाँ पे जो लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी उसकी थीम होगी पैनिक नहीं प्रिकॉशन। तो यहाँ पे याद रखना है हुनर हाट का जो थीम है वो लोकल टू ग्लोबल है, जबकि जो वहाँ पे पवेलियन बनाया जा रहा है वह लोगों को जागरूक करने के लिए वो क्या नाम है स्वास्थ्य के प्रति, तो उसका पवेलियन का नाम है जान भी जहान भी। और उस के द्वारा जो उस पवेलियन के द्वारा जो जागरूकता फैलाई जाएगी उसकी थीम है पैनिक नहीं प्रिकॉशन। नेक्स्ट, हाल ही में आए साइक्लोन अम्फान से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई है। तो अभी जो हाल ही में तूफान आया था अम्फान, तो इसको भी याद रखना है, नाम अम्फान है, पश्चिम जो है बंगाल की खाड़ी से प्रवेश किया था और दो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि उड़ीसा के लिए 500 करोड़। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल, जबकि पश्चिम बंगाल के जो हैं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य जो है दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय में जो है जोड़ना है, साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग जो है ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक के कार्यकारी अधिकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। दी इकबॉक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है जेके राउलिंग द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैरी पॉटर की ये लेखिका हैं, इनके द्वारा अभी जो इनकी नई पुस्तक आई है द इकबॉक, इसको जो है लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन जो है इसका ऑनलाइन फीस संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों तथा लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसानों और लघु तथा मध्यम उद्यमों के अनुसार जो है वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के वर्तमान में MD और CEO कौन हैं? अनुव्रत विश्वास। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मास्टर कार्ड का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और मास्टर कार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष और CEO हैं वह एक भारतीय ही हैं, अजय पाल सिंह बग्गा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु को विकसित करने के लिए नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट आर्मी लैब के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जो है नॉर्थ टेक्सास की यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ जो है समझौता किया है जो है वर्तमान में जो कारों में स्टील एल्यूमिनियम
का प्रयोग किया जाता है। तो एक नई मिश्र धातु जो है मैग्नीशियम से रिलेटेड जो है मिश्र धातु बनाने के लिए, जो इससे हल्की होगी, जिससे क्या होगा कि इसकी स्पीड हल्की होगी लेकिन मजबूत होगी। तो स्पीड भी जो है उसका बढ़ाया जा सकेगा, साथ ही जो है हल्की होगी तो उसमें जो है ईंधन भी कमी होगी और ज़्यादा बेटर होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और IIT मद्रास के निदेशक कौन है? भास्कर राममूर्ति। और IIT मद्रास की स्थापना की गई थी 1959 में। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बॉट PAI निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको जो है NPCI के द्वारा विकसित किया गया है, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चैटबॉट को जो है वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, UPI के बारे आदि के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस चैटबॉट को जो है यानी PAI को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप्स कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। तो याद रखना है कोरोवर और NPCI, और चैटबॉट का नाम है PAI। नेक्स्ट, आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ निम्नलिखित में से किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने जो है आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए जो है कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ जो है समझौता किया है। इस MOU के तहत फ्लिपकार्ट मैंगो बोर्ड के किसानों, उत्पादक संगठनों और खेती करने वाले और तथा जो डीलर हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म पर चयन कर अपना मार्केट प्लेस उपलब्ध कराएगा, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट की स्थापना जो है अक्टूबर 2007 में की गई थी। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर जो है वह है बेंगलुरु में, और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो NDB जो है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग के लिए जो है बैंक बनाया गया है। और इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष KB कामत भारत के थे, वे थे। अब इनकी जगह पे जो है नियुक्ति मार्कोस ट्राइजो की जो है नियुक्त की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के हैं। और इस समय जो न्यू डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष और CRO हैं वह है सर्विस जेबी। इनकी जगह पे जो है नियुक्त हुई है अब उपाध्यक्ष के रूप में भारत के अनिल किशोर की, तो ये भी याद रखना है। अनिल किशोर की नियुक्ति जो है उपाध्यक्ष और CRO के रूप में हुई है, जबकि मार्कोस ट्राइजो की नियुक्ति जो है अध्यक्ष के रूप में हुई है। बात करें यहाँ पे अन्य ऑप्शन की SN राजेश्वरी की, तो SN राजेश्वरी जो है अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बनी हैं। SN राजेश्वरी के हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अभी नई CMD बनी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और आर श्रीरेखा अभी जो है केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला, केरल की पुलिस निदेशक बनने वाली पहली महिला जो है आर श्रीरेखा बनी है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, यानी ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की जो है अध्यक्षता की। इस बैठक में जो है भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
प्रत्येक वर्ष जो है 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लगभग 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन जो है 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए जो है मनाया जाता है। यानी शुरुआत कब की गई थी इसको, 2011 से इसकी की गई थी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो अब की बात जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में जो है भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर था। यानी यह जो है बात करें अपने पड़ोसी देश से नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है इस मामले में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकसित करने के लिए कितनी धनराशि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन ए। तो याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, तीन लोगों का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, किसके लिए, सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, और कितना, 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इतना चीज़ फैक्ट याद रखना है, 177 मिलियन डॉलर किस चीज़ के लिए, सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, किसके किसके बीच समझौता, ऋण समझौता हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मासुगु अस्कावा, जापान के हैं। नेक्स्ट, आईटी प्रमुख विप्रो ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियरी डेलपोर्ट, यानी ऑप्शन बी। थियरी डेलपोर्ट को जो है विप्रो ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, रिशद प्रेम जी। और बात करें यहाँ पे अन्य ऑप्शन की, यानी ऑप्शन ए की बात करें, नरेंद्र बत्रा, तो नरेंद्र बत्रा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और इनको जो है ओलंपिक चैनल कमीशन का जो है अभी हाल ही में सदस्य चुना गया है। तो याद रखना है नरेंद्र बत्रा को जो है, ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और इनको जो है ओलंपिक चैनल कमीशन का जो है एक सदस्य चुना गया है। बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी जो है प्रमुख हैं। और ऐमान इज्जत की बात करें तो ऐमान इज्जत को जो है अभी कैपजेमिनी ग्रुप का जो है नया CEO, कैपजेमिनी ग्रुप का जो है नया CEO चुना गया है। और लियो पुरी को जो है JP Morgan साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, क्रिस्टोफ मेरियस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक है, तो यह जो है क्रिस्टोफ मेरियस पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है या फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। अब की बार जो है यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वारिसा अब्दुल करीम ने जीता है, और इनको जो है महिलाओं को वायरस बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 29 मई, यानी ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष जो है 29 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी WGO द्वारा WGO फाउंडेशन के सहयोग से मनाया जाता है। अब की बात जो है 2020 में इस अभियान का जो विषय है वह है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव।
वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का आपकी बात विषय क्या है, गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में सुश्री जो है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंकट रमनी सुमित्रन, यानी ऑप्शन ए, वेंकट रमनी सुमित्रन को इंडिगो ने जो है अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के द्वारा, फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई, या इसका आयोजन जो है ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों का जो है के प्रमुखों का के बैठक का आयोजन मास्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र जो है इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, और भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने किया। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, ब्रिक्स का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल तथा अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। हाल ही में कहां पर स्थित नेवल बेस में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है स्थित नेवल बेस INS कलिंगा में जो है, ये भी याद रखना है, INS कलिंग, INS कलिंग में जो है इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की जो है आधारशिला रखी गई है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद उसे जो है INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से ENC के इस अप सपोर्ट बेस में जो है अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। नेक्स्ट, रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है रोजगार सेतु नामक योजना शुरू की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में जो है मदद करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।